ओवी स्टूडियो प्रेजेंट्स एक अनकही कहानी। अब सुनिए विवेक पारिक की लिखी कहानी वैदेही, प्रोड्यूस्ड बाय ओवी रिकॉर्ड्स और आवाज है संगीता सिंघल की। वैदेही की जिंदगी अब वापस उसी मोड़ पर है जहां उसके पास कुछ रुपए और कुछ करना है वाली सोच है, पर क्या वो नहीं मालूम। रास्ते में चलते हुए वैदेही को एक आवाज सुनाई दी, बेटी ये टमाटर ले लो, अच्छे लाल टमाटर हैं। पर कैसे, मुझे जरूरत नहीं। बेटी सफर पर जा रही हो? नहीं, बस कुछ ढूंढ रही हूँ। अच्छा, क्या खो गया तुम्हारा? वो तो नहीं मालूम। तो फिर क्या? फिर अरे बताओ तो सही, कुछ नहीं है। क्या मतलब, मुझे क्या, मैं क्यों बताऊं, क्यों बात करूं इनसे? बड़बड़ाते हुए वैदेही उन अम्मा की बात से और परेशान होकर बोली, लाओ मुझे दो, और कुछ टमाटर लेके निकल गई। जाते जाते अम्मा को बोल गई, अब तो चुप हो जाओगी आप? अम्मा बोली, अरे भला मैंने क्या बोला? वैदेही, कुछ नहीं। तभी सामने से आवाज आई, हो जाओ तैयार, आ रहा है फिर से सर्कसों का शहंशाह तुलिप सर्कस, हर शनिवार और रविवार आपके घर के पास। वैदेही को न जाने क्या लगा कि उस आवाज का पीछा करते करते वो पहुंच गई सर्कस में। टीवी पर कई बार सर्कस का नाटक देखा था। दोपहर में सूरज गुस्सा कर रहा था तो वैदेही एक टेंट की आड़ लेकर बैठ गई और सामने रखी टोकरी में वो टमाटर रख दिए। गर्मी और भूख से वैदेही को झपकी आने लगी कि तभी एक आवाज आई, ये टमाटर कैसे दिए? नींद में ही वैदेही ने कहा, 20 के, और वो 20 रुपए देके चली गई। वैदेही को जब तक समझ आता वो जा चुके थे, मगर यहाँ वैदेही को कुछ मिला, 10 रुपए का फायदा। जो टमाटर अम्मा से गुस्से में 10 के लिए थे अब 20 के हो गए। फिर क्या था, वैदेही ने 10 के 20, 20 के 50 मंडी से टमाटर ला के उन्हें बेचना शुरू किया। घर घर जाकर टमाटर बेचे। ऐसा करते करते वैदेही ने टेंट लगा के वहां से टमाटर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन एक मास्टर जी आए और बोले, बेटी 1 किलो टमाटर देना। और ककड़ी है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। आज ककड़ी टमाटर का सलाद खाने का मन था। अच्छा, मास्टर जी की बात को वो भूली नहीं। गल्ले में देखा 50 रुपए थे। तड़के सुबह वो मंडी गई और ककड़ी ले आई। वैदेही ने ढाबे में काम किया था तो सलाद से उसका रिश्ता अलग सा था। उसने इस गर्मी के माहौल में सलाद बेचना भी शुरू कर दिया और ग्राहक बढ़ने लगे। टमाटर से ज्यादा अब उसकी सलाद बिकने लगी। हफ्ते बाद मास्टर जी फिर से आए, अरे वाह, सलाद शुरू कर दिया। हाँ बताइए क्या लेंगे? नींबू है? नहीं वो तो नहीं है। ठीक है, आज नींबू शिकंजी पीने का मन था। ये बोल के वो चले गए। वैसे ही एक रात सोच में डूबी। रात भर तारों को गिनते गिनते यूं लगता है जमी से आसमां का रास्ता अब कम लगता है। कुछ दिन बाद वैदेही किराने की दुकान से शिकंजी मसाला लेने गई। उसी वक्त मास्टर जी भी वहां आ गए। बेटा तुम यहाँ? जी। आपने बताया था ना, तो अब नींबू शिकंजी भी शुरू कर दी है। आप आओ, कल आता हूँ। अगले दिन मास्टर जी आए, बोले, ला पिला शिकंजी, लाती हूँ। नींबू शिकंजी पीने के बाद, अरे क्या डाला है री इसमें तूने? क्यों, क्या हुआ, खराब है क्या? आप फेंक दो, मैं दूसरा ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, एकदम अमृत जैसी लग रही है। अच्छा तो एक ग्लास और ले आऊं अमृत? वो सब छोड़, आ बैठ। बता घर में कौन कौन है? माँ बाप को मालूम है कि तू यहाँ सब्जी बेच रही है? एक लंबी आह, मेरा कोई नहीं। तो फिर तू यहाँ कैसे? वैदेही ने अपनी सारी कहानी मास्टर जी को सुनाई। सब सुनने के बाद, अच्छा तो तू पढ़ी लिखी भी नहीं है? नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा।
वैदेही की शिकंजी पीकर मास्टर जी की तबीयत खुश हो गई। उन्होंने उससे बातें भी की, लेकिन अचानक उठकर चले जाना ये समझ में नहीं आया। जानेंगे कहानी के अगले भाग में।